शंकराचार्यों ने क्यों ठुकराया राम मंदिर का न्योता। शंकराचार्यों ने किया दावा, निर्माण के बीच प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं। सनातनी विधान पर उभरे मतभेद, तथ्यों को लेकर छिड़ी जंग। अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे विश्व में जश्न का माहौल है। देश भर से भारी मात्रा में श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आस्था का केंद्र बने राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने घर में विराजेंगे। अब ऐसे में सालों से एक इच्छा लिए आने वाले श्रद्धालुओं के मन में बस एक ही चीज है कि एक बार रामलला के दर्शन हो जाए। एक तरफ जहां सनातनी माहौल अपने चरम पर है, तो वहीं सियासत के बाद अब हिंदू धर्म की विरासत को संभाल रहे शंकराचार्यों ने वेद और पुराण के हवाले से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें से दो ने तो न्योता ही ठुकरा दिया है, तो वहीं दो शंकराचार्यों के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार है। अब ये भी बता देते हैं कि इस तरह का सवाल आखिर आया ही क्यों। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आदि शंकराचार्य का महान योगदान रहा है। उनके द्वारा भारत के चारों कोनों में चार शंकराचार्य मठों की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला है श्रृंगेरी ज्ञान मठ, दूसरा है गोवर्धन मठ, तीसरा है शारदा मठ, चौथा है ज्योतिष मठ, जो आज भी चार शंकराचार्यों की निगरानी में सनातन परंपरा का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने इन मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की थी। इन सबको देखते हुए ये तो साफ है कि इन चारों के बिना कोई भी सनातनी कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इन मठों के शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो सकेगा या नहीं। जहां पहले किया 550 साल का इंतजार, क्या भी रहेगा बरकरार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और गोवर्धन मठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि ये कार्यक्रम सनातन धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है और वह शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए वह समारोह में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार में साफ किया कि सभी शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी समारोह में शामिल होने से मना किया है। हालांकि श्रृंगेरी ज्ञानमठ के स्वामी भारती कृष्णा और शारदा मठ के स्वामी सदानंद सरस्वती की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है और न ही शामिल होने या शामिल नहीं होने को लेकर उन्होंने अपना रुख साफ किया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है वो नियम जिनके उल्लंघन होने की बातें शंकराचार्य द्वारा की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम धर्म ग्रंथों और नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के नियमों का पहला उल्लंघन है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पहले मजबूरी में की थी दूसरी जगह स्थापना, अब नहीं होगी कोई भी जल्दबाजी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 22 दिसंबर 1949 को आधी रात को विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी और 1992 में ढांचा गिरा दिया गया, इसलिए रामलला की प्रतिमा को दूसरी जगह विराजमान किया गया था। ये सब घटनाएं किसी वजह से अचानक से हुई थी, इसलिए उस वक्त किसी शंकराचार्य ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हमारे पास राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का भरपूर समय है और मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते, ये कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम चुप नहीं रह सकते और कहेंगे कि राम मंदिर का काम पूरा हुए बिना उद्घाटन करना और भगवान राम की प्रतिमा वहां विराजमान करने का विचार ठीक नहीं है।
उन्होंने तो ये तक कह डाला कि समारोह आयोजित करने वाले हो सकता है हमें एनडी मोदी कहें, ऐसा नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस पर सुनिए क्या कहना है शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का। राम मंदिर को लेकर के अभी जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि सभी शंकराचार्यों ने ठुकरा दिया और सबने उसको प्रतिरोध कर दिया, राम का विरोध किसी से नहीं है। परंपरा को लेकर के पूर्वामनाय पूरी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी ने सलानंद जी महाराज ने अपने लिए कहा था कि क्या मैं ताली बजाऊंगा, उनकी व्यंगात्मक शैली है, लेकिन राम मंदिर के प्रति उनकी कोई ऐसी धारणा है मैं ऐसा नहीं मानता। और दो शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और द्वारका और स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज श्रृंगेरी, दोनों ने अपना बयान जारी करके ये कहा है कि मंदिर के प्रति मेरा समर्थन है, मेरा आशीर्वाद है इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि हम आने में असमर्थ हैं इसलिए नहीं आ पाएंगे। ठुकरा दिया ये शब्द कहना बहुत भ्रामक है, वो मंदिर 500 वर्षों बाद हमें मिल रहा है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, हम सबको मिलकर के इस मंदिर के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए, और नहीं तो लोगों में गलत संदेश जाता है। हम भी कहेंगे कि सरकार जा करके पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज को मनाए और लाने का प्रयास करे, वह चूंकि दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उनसे ज्ञानी कोई धरातल पे है नहीं, नासा आदि लोग उनसे आज क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा और लोगों से जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं विपक्ष के इशारे पर, उन खबरों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अब ये भी बता देते हैं कि स्वामी निश्चलानंद इन सब पर क्या कहते हैं। तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ओडिशा के जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने भी मंदिर के उद्घाटन में शास्त्रों के नियमों के उल्लंघन की बात कही है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई सुझाव नहीं लिया गया तो मैं नाराज हूँ, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार अगर नियमों और रीति रिवाज का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो प्रतिमा में बुरी चीजें प्रवेश कर जाती हैं और उस क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला है, लेकिन वह अभी मंदिर नहीं जाएंगे। जब सनातन धर्म के अनुसार कार्यक्रम होगा तो वह शामिल जरूर होंगे। स्वामी निश्चलानंद ने बताया कि वह अयोध्या जाते रहते हैं और वर्तमान में जहां रामलला है वहां वह माथा भी टेकने जाते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा वहां जाएंगे, लेकिन सही समय पर। बाकी शंकराचार्यों की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर रुख साफ नहीं किया गया है। स्वामी भारती कृष्णा दक्षिण भारत के चिकमंगलुरु स्थित श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य हैं, जबकि स्वामी सदानंद सरस्वती पश्चिम में गुजरात के द्वारका में शारदा मठ के शंकराचार्य हैं। अब इन तमाम बातों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंबत राय ने भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्य और सन्यासियों का नहीं। चंबत राय ने बताया कि मंदिर का निर्माण 3 फ्लोर में किया जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यही गर्भगृह में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। अब देखना होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन शामिल होता है और कौन इस समारोह को राजनीति जानकर अपने कदम पीछे कर लेता है। ऐसी और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप राम मंदिर या रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं या नहीं।